हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के फर्स्ट फ्लाइट बुक के लेसन फोर का स्टडी करेंगे और वह लेसन फोर है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसको 13 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल है जिसका नाम है एनी फ्रैंक ने लिखा है। कि इस लेसन को पढ़ने से पहले आइए हम इसके विषय में पहले जानकारी ले लेते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, एनलीज मैरी एनी फ्रैंक जून 1929 एंड 1944 वाज जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल हु रोट व्हाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड। बच्चों, इस लेसन को एक लड़की ने लिखा, इसी का नाम है एनी फ्रैंक और इसका जन्म 1929 यानी 1919 में हुआ था। ओके, और मृत 1945 में हुई थी और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ये जर्मन के तानाशाह हिटलर का नाम आप सुने होंगे और उसी का शासन था, नाजियों का आक्रमण था या नाजियों का अत्याचार था यहूदियों के ऊपर। तो ये लड़की जर्मन में पैदा हुई थी लेकिन यह एक यहूदी परिवार से बिलोंग करती थी और इसने इस डायरी को छिप करके लिखा था। कहाँ छिपी थी ये? अपने परिवार और अन्य मित्रों के साथ में एम्स्टर्डम में, जब जर्मन्स के लोगों ने नीदरलैंड्स को ऑक्यूपाई कर लिया सेकंड वर्ल्ड वार के समय, तो ये अपने परिवार और अन्य चार लोगों के साथ छिप करके रहती थी और वहीं पर इसने इस डायरी को लिखा था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी बट वेयर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। यानी उसका फैमिली एम्स्टर्डम को गया और कब गया था? जब नाजियों ने जर्मनी के पावर को बढ़ाया और नीदरलैंड्स तक अपने पावर को बढ़ा लिया, तो वहाँ पर इन लोगों को ट्रैप कर लिया गया, इन लोगों को पकड़ लिया गया। ओके, एज परसुकेशन अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज द फैमिली बेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस। ओके, परसिक्यूशन का मतलब बच्चों अत्याचार। जब अत्याचार यहूदियों के प्रति खूब बढ़ गया तो इनका परिवार छिप गया, जुलाई 1942 में एक कमरे में छिप गया और जहाँ पर इनके पिता जिनका नाम था ओटो फ्रैंक का ऑफिस था उसी के एक कमरे में लोग छिप गए। ओके, आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग द ग्रुप वाज बीट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसनट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफाइस इन वर्जन वेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। ओके, आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग यानी 2 वर्ष तक छिपने के बाद में इस ग्रुप को बीट्रेड कर लिया गया था। बीट्रेड का मतलब धोखे से पकड़ लिया गया था, किसी ने सूचना दे दी थी, चीट कर लिए गए थे। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसनट्रेशन कैंप, और इनको कंसनट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था जहाँ की सिस्टम ऐसी थी कि वहाँ इसको टाइफाइड हो गया, वर्जन वेल्सन के कंसनट्रेशन कैंप में इसको टाइफाइड हो गया और इसकी बहन मार्गरेट फ्रैंक की डेथ हो गई और उसी के डेथ के कुछ दिन बाद एनी फ्रैंक की भी डेथ हो गई, यानी इस लड़की की भी डेथ हो गई। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न्ड इन एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। ओके, उस पूरे परिवार में केवल एक ही व्यक्ति सर्वाइव किए थे, बचे थे और वह थे इनके पिता। ओके, उस ग्रुप से केवल वह ही अकेले एम्स्टर्डम को लौटे जब ये युद्ध का अंत हुआ। एंड क्या हुआ, उन्होंने इस लड़की की डायरी को प्राप्त कर लिया। ओके, और इसे सेव कर लिया। कन्विंस दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, उनको ये विश्वास हुआ कि इस लड़की की डायरी एक बहुत ही अनोखी रिकॉर्ड है,
इसलिए ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। ओके, इसलिए उन्होंने एक्शन लिया कि इस डायरी को, यानी लड़की जो एनी फ्रैंक है, इसकी डायरी को द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश कराया जाए। इनके पिता ने ऐसा सोचा। फिर क्या होता है बच्चों, द डायरी वाज गिवन, अब इसमें आप आगे पढ़ेंगे देखेंगे कि ये डायरी इस लड़की को कब प्राप्त हुई थी, कहाँ प्राप्त हुई थी, किसने दिया था। ओके, तो द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 June 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1st August 1944। ओके, ये डायरी इस लड़की एनी फ्रैंक को इसके जब 13th बर्थडे था तब दिया गया था। ओके, और जो क्रॉनिकल्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं उसके जीवन के, उसमें वो 12 जून 1942 से लेकर के हैं, और उसकी जो अंतिम एंट्री थी उस डायरी में वो 1st August 1944 को थी, यानी इसके बाद इन लोगों को पकड़ लिया गया था। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेज एंड बीकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। ओके, इस पुस्तक को वास्तव में कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था, जबकि ओरिजिनली ये डच भाषा में लिखी गई थी, और इसको विश्व के सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में माना जाता है। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएटिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपरा बेस्ड ऑन द डायरी। ओके, कहने कि कई फिल्में बनी हैं और टेलीविजन और थिएटरिकल प्रोडक्शंस के माध्यम से, और यहाँ तक कि एक ओपरा जो संगीत है, ये सब इसी डायरी पर बेस्ड बनाए गए हैं। यानी इस डायरी को बहुत हाईलाइट किया गया है कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। ओके, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। यानी नाजियों ने जब ऑक्यूपाई किया नीदरलैंड्स को, तब लोगों का जो यहूदी रेस के थे, जात के थे, उन लोगों का जीवन कैसा होता था, इसका बहुत ही इंटीमेट एग्जामिनेशन, ओके, यानी बहुत नज़दीकी से इसका परीक्षण इस डायरी में प्राप्त होता है। और इससे ऐसा लगता है कि इसे किसी मैच्योर ने और बहुत ही इंसाइटफुल माइंड से, बहुत ही आत्मज्ञान दिमाग से इसको लिखा है। यानी उस डायरी में एनी फ्रैंक ने नाजियों के शासन के अंतर्गत यहूदी लोगों की डेली लाइफ कैसे होती थी उसका बहुत ही विविड चित्रण किया है, बहुत विविड एक्सप्लेन उसमें किया है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम। ओके, एनी फ्रैंक जो लड़की थी वह बहुत ही फेमस और डिस्कस्ड माने चर्चित रही है होलोकास्ट ऑफ द विक्टिम्स। होलोकास्ट का मतलब नरसंहार, जनसंहार के शिकार जितने लोग हुए हैं उन सभी लोगों में ये लड़की एनी फ्रैंक काफ़ी फेमस और चर्चित रही है। ओके, तो बच्चों लेसन आपका अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि राइटिंग इन ए डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कह रही है बच्ची कि डायरी लेखन मेरी तरह किसी अन्य को भी एक विशेष अनुभव देती है। यानी डायरी लेखन से जैसे मुझे एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे वैसे मुझे एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ जैसे अन्य लोगों को होता है। ओके, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने इसके पहले कोई चीज़ नहीं लिखा था, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13th year old स्कूल गर्ल। कहती है बच्ची आगे, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने इसके पहले कोई चीज़ नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में ना तो मैं और ना ही अन्य कोई दूसरा
इस 13 साल की स्कूल लड़की की विचार के विषय में थॉट्स के विषय में म्यूजिंग्स मीन्स थॉट्स के विचार में अनुभव विचार में इंटरेस्ट लेगा। ओह वेल ठीक है अच्छा इट डजंट मैटर कोई बात नहीं डायरी तो लिखना ही है। आई फील लाइक राइटिंग मैं मुझे लिखने का भाव है लिखने का अनुभव हो रहा है या लिखने की भावना मेरे अंदर है एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट और मैं अपने सीने में जितनी भी चीज़ें हैं यानी मेरे हृदय में जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं इस डायरी में ऑफ कर देना चाहती हूँ अर्थात उसको इसमें मैं लिख देना चाहती हूँ। ओके यानी बच्ची ने जो नाजीज के अत्याचार को देखा है डेली लाइफ में जो अनुभव किया है उन सभी चीज़ को वो अपनी डायरी में लिखने के लिए उत्सुक है। पेपर अब यहाँ आगे देखें आप पेपर हैज़ मोर पैशंस दैन पीपुल पेपर के पास मनुष्यों से ज़्यादा धैर्य होता है। आई थाट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग व्हेदर टू स्टे इन आर गो आउट। ओके यहाँ देखें लड़की कहती है आई थाट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज कह रहे हैं कि इस तरह की बातें मैं उस समय का कह रही हूँ जब मैं डिप्रेस्ड में थी डिप्रेस्ड मतलब उदास में थी और सिटिंग एट होम घर पर बैठी हुई थी विद माई चिन यानी अपनी दाढ़ी को या टुड्डी को दाढ़ी के नीचे का भाग जो होता है उसको अपनी हथेली पर रखे थी और बोर्ड थी बोर्ड का मतलब उबाऊ होना उबना बोर होना और लिस्टलेस थे लिस्टलेस का मतलब होता है विद नो एनर्जी आल इंटरेस्ट जैसा आप देखें बगल में आपके लिखा हुआ है। ओके तो यस पेपर डज हैव मोर पैशंस पेपर के पास बहुत धैर्य होता है एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिल बुक नोट स्टिल बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड। ओके करे कि आई एम नॉट प्लानिंग मैं कोई ये प्लान नहीं बना रही हूँ कि इसे कोई अन्य दूसरा ना पढ़े इस डायरी को। ओके अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड जब तक कि मैं कोई वास्तविक फ्रेंड ना पाऊँ इट प्रोबेबली वुडंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस फिलहाल इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. करें अब मैं उस पॉइंट पर आती हूँ जिसने मुझे डायरी को फर्स्ट पॉइंट पर रखने के लिए प्रॉम्प्ट किया प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरणा दिया। ओके आई डोंट हैव ए फ्रेंड करे मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया तो लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड कह रही है कि इस बात को मुझे पहले स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि कोई यह नहीं विश्वास करेगा कि इस संसार में 13 साल की लड़की पूर्ण रूप से अकेली थी नॉट एंड आई एम नॉट और मैं अकेली हूँ भी नहीं आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16 ईयर ओल्ड गर्ल ओल्ड सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपुल आई कैन कॉल फ्रेंड्स कह रही है कि और मैं अकेली हूँ भी नहीं क्योंकि मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं एक 16 साल की बड़ी बहन है और 30 अन्य लोग हैं जिसे मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ आई हैव ए फैमिली लविंग ऑन्ट्स एंड ए गुड होम ओके मेरे पास एक परिवार है अच्छा लविंग आंट्स हैं एंड गुड होम है नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग इस सतह पर पृथ्वी पर मेरे पास तो लगभग हर चीज़ प्रतीत होती है एक्सेप्ट माय वन ट्रू फ्रेंड शिवाय कि मेरे कोई एक सच्चा मित्र नहीं है एज आई ऑल आई थिंक About when I am with friends is having a good time.
ये तब मैं सोचती हूँ जब अपने सभी मित्रों के साथ होती हूँ और मेरे पास गुड टाइम होता है। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, करे कि मैं तो खुलकर बात नहीं कर सकती थी किसी के विषय में, अबाउट किसी की चीज़ के विषय में, बट लेकिन साधारणतया मैं हर चीज़ के विषय में कुछ कर सकती थी, बात कर सकती थी। यानी इनको शांति रहना पड़ता था अपने कमरे में। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मुझे किसी के नज़दीक जाना भी नहीं होता था। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और यही बहुत बड़ी समस्या थी। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे में कन्फाइड ना करते हों, यानी विश्वास ना करते हों। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, ठीक है कुछ भी हो चीज़ें वैसे ही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश वह सब चीज़ें बदलने वाली भी नहीं थी। ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि जो हिटलर था उसके जो नाजीज थे वो यहूदियों पर टूट पड़े थे, उनको खोज रहे थे, और उस स्थिति को बदलना इनके बस की बात नहीं थी। इसलिए बच्ची कहती है कि ये लाइबल टू चेंज भी नहीं था। दिस इज़ व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। ओके, टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कहा है डायरी के लिए, कि इस मेरी जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है इसकी इमेज को अपनी इमेजिनेशन में बढ़ाने के लिए। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, इस डायरी में मैं फैक्ट्स को लिखना नहीं चाहती। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अन्य लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, लेकिन मैं चाहती हूँ इस डायरी को अपने एक फ्रेंड के रूप में, ओके, जिसको मैं किट्टी कह करके पुकारूंगी। ओके, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, कह रहे हैं कि पहले शुरुआत में तो कोई मेरी किट्टी की कहानी का एक भी शब्द नहीं समझ सकता है। ओके, अगर मैं चाहूं भी तो वो नहीं समझ सकता। आई वुड रेदर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, कह रहे कि मैं इसमें अपने जीवन का एक ब्रीफ स्केच दूंगी, ब्रीफ चित्रण दूंगी, जिसे कि मैंने नापसंद किया है। My father, the most terrible father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. करे मेरे पिता जितने भी लोगों को मैंने देखा है उसमें सबसे एडोरेबल, एडोरेबल का मतलब होता है वर्शिप, वो जिसका वर्शिप किया जाए, पूजा किया जा सके, पूजनीय यू कैन से। करे मेरे पिता बहुत ही पूजनीय थे, और जब वो 36 के थे और मेरी माँ 25 की थी तब उन्होंने शादी किया था। माई सिस्टर मार्गट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, करे मेरी बहन जर्मनी की फ्रैंकफर्ट में 1926 में पैदा हुई थी। एंड आई वॉज बॉर्न इन 12 जून 1929, और मैं 12 जून 1919 को पैदा हुई थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और कह रहे हैं कि मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में रही हूँ। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, पिता मेरे 1933 में हॉलैंड में बस गए, इमिग्रेट माने बस गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर व्हाइल मार्गट एंड आई वर सेंट टू एचएन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। ओके, कह रहे कि मेरी माता जिसका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वह भी उनके साथ हॉलैंड में सितंबर में गई, जबकि मार्गट जो उनकी बड़ी बहन थी, और कह रहे हैं कि मैं
एचएन में स्टे के लिए भेज दी गई, जहाँ पर मेरी दादी माँ थी। यानी इन दोनों लोग, इनको और इनकी बहन को, इनकी दादी के पास स्टे के लिए भेज दिया गया। मार्गाट वेंट टू हॉलैंड इन डिसेंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गाट। कह रही हैं कि मार्गाट हॉलैंड को दिसंबर में गई और उसके बाद फरवरी में मैं गई थी, और आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गाट, और मुझे तख्ते पर बैठा दिया गया। ओके, तख्ता यू कैन से लकड़ी, मैं लकड़ी टेबल जो थी, टेबल की लकड़ी पर जिसे मुझे बैठा दिया गया था, जैसे मानो मार्गाट के लिए मैं उसका बर्थडे का प्रेजेंट हूँ। ओके, आई स्टार्टेड राइट अवे टू द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। कह रहे मैंने मॉन्टेसरी के नर्सरी स्कूल से स्टार्ट की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज सिक्स, मैं वहाँ 6 वर्ष तक रही। एट हुच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फार्म, और करें तब वहाँ मैंने फर्स्ट फार्म स्टार्ट की, यानी क्लास फर्स्ट में मैंने प्रवेश लिया। इन द सिक्स फार्म आई टीचर वाज मिसेस कूपरस। करें कि जब मैं सिक्स में थी तो मेरे टीचर थे, वो मिस टीचरस थी मेरी मिसेस कूपरस, और वही हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और कह रही है कि जब मेरा वहाँ एंड हुआ ईयर, और हम दोनों लोग यानी हेड मिस्ट्रेस और मैं एक दूसरे को फेयरवेल कर रहे थे, तो हार्ट ब्रेकिंग टीयर्स मेरे अंदर थे, यानी हम दोनों बहुत दुखी थे। इन समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेलिल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, शो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। कह रहे कि 1941 में मेरी दादी माँ बीमार पड़ी और उनका एक ऑपरेशन हुआ, और इसलिए मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन था वह बहुत थोड़ा सा था, यानी ज़्यादा शानदार ढंग से नहीं मनाया गया। ग्रांड माँ डाइड इन जनवरी 1942, यानी 1942 में दादी माँ मर गई। नो वन नोज हाउ अफेन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, किसी को नहीं मालूम कि प्रायः मैं उनको कितना सोचती हूँ उनके विषय में, और उनको अभी भी कितना प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। और कह रहे हैं कि जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 में हुआ, 42 में, वह भी इस इरादे के साथ था कि जैसे मानो उसको भी मेकअप किया जाए, यानी पूरा किया जा रहा था। दादी माँ के लिए जो कैंडल जलाई जाती है उसको भी इसी में मेकअप किया गया। एंड ग्रांड मास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और मेरी अन्य कैंडल के साथ में दादी माँ के लिए भी कैंडल जलाई गई। ओके, द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, अब हम जो 4 बच्चे हैं अब भी ठीक अच्छे से कार्य कर रहे हैं। कौन 4 लोग हैं? मम्मी पापा और ये 2 बहनें। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और यह मुझे अब 20 जून 1942 तक ले आई है। एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं अपनी इस डायरी को अपना पूर्ण समर्पण भाव देती हूँ, यानी पूरा गंभीर समर्पण अर्पित करती हूँ। ओके, हेलो बच्चों, यहाँ पर आप देखें कि इसमें सैटरडे 20 जून 1942 है, ये डायरी लिखने का समय है और दिन है जो डाला गया है, वर्ष डाला गया है, और संबोधन किया गया है डियरेस्ट कुट्टी को, किट्टी को बेटा। ये इसने एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किट्टी रखा है और उसी को संबोधित किया है। डायरी राइटिंग आपके पेपर में आता है। ओके, तो आप इसी तरह से लिखेंगे, तो देखिए क्या क्या लिखा है अपनी डायरी में एनी फ्रैंक ने। आवर इंटायर क्लास, इन्होंने अपनी एक क्लास का वर्णन किया है कि लोग कैसे थे, किस तरह का समय था, किस तरह का अनुभव था, कैसा लोग वहाँ महसूस करते थे, एक दूसरे से फ्रेंडशिप कैसे करते थे,
और रिजल्ट के लिए किस तरह से उनके अंदर कौतूहलता थी, ओके क्यूरियस थे कि रिजल्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसी अपनी क्लास का वर्णन इन्होंने अपनी डायरी में इस डेट को किया है। तो क्या संबोधित करके लिखा है, लिखा है, डियरेस्ट किट्टी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बुक। क्वैकिंग का मतलब बच्चों कांपना, हिलना। तो कह रहे मेरा पूरा क्लास अब कांप रहा था। क्यों कांप रहा था? द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन द व्हिच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। और कारण वह यह था कि एक आने वाली आगे मीटिंग होने वाली थी टीचरों की, जिसमें डिसाइड किया जाना था कि कौन आगे की क्लास में जाएगा, मूव अप होगा, और किसको केप्ट बैक रखा जाएगा, यानी कौन आगे की क्लास में जाएगा और कौन उसी क्लास में रोक दिया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और लगभग आधे क्लास शर्त लगा रहे थे। जी एन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। कह रही कि मैं और मेरी एक फ्रेंड थी जी एन, हंसती थी दो लड़कों के ऊपर जो मेरे पीछे बैठे हुए थे और वो मूर्खतापूर्ण कुछ बातें कर रहे थे। और वो दो कौन थे? सी एन एंड जैक्स, हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, जिन्होंने अपने गर्मी की सारी बचतों को शर्त पर लगा दिया था। मैं उन दो लोगों की मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रही थी। ओके, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। ओके, यानी कह रहे हैं कि सुबह से शाम तक बस केवल यही, तुम पास होने जा रही हो, नहीं मैं नहीं, हाँ तुम पास होने जा रही हो, नहीं मैं नहीं, यही सब होती थी। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कैन नॉट क्लेम काम देम डाउन। कहती है कि वो जो दो लड़के थे आगे सी एन और जैक्स, उनसे जो जी एन मेरी फ्रेंड थी वह प्लीडिंग कर रही थी, आग्रह निवेदन करती हुई उसकी निगाहें थी, और मेरा क्रोध भी उनको शांति नहीं कर सका। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। कहती है लड़की ये एनी फ्रेंक कि अगर मुझसे कहा जाए तो मैं कहूँगी कि इस क्लास में इतने डम्मी हैं, डम्मी का मतलब होता है जिनका कोई मतलब ना हो, पढ़ाई लिखाई से जिसका कोई मतलब ना हो। तो कह रहे कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कह दूं लगभग इस क्लास में एक चौथाई ऐसे डम्मी हैं जिनको कैप्ट बैक पीछे ही रखा जाए, उनको आगे ना ले जाया जाए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। और यहाँ पर देखिए टीचर्स की महिमा का वर्णन करती है, कहती है लेकिन टीचर्स इस संसार में ऐसे प्राणी हैं जिसके विषय में हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। ओके, तो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। करें मुझे मेरे विषय में और मेरी जो सहेलियाँ थीं उनके विषय में कोई चिंता नहीं थी। वी विल मेक इट, हम लोग तो पास ही होंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। करें केवल एक ही विषय मैथ्स था जिसमें मैं श्योर नहीं थी। एनी हाउ ऑल वी कैन डू इज वेट, लेकिन क्या था, हम लोग केवल इंतज़ार कर सकते थे। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट, और तब तक हम लोगों से केवल यही कह सकते थे कि भाई हर्ट को अपने मत लूज करिए, अर्थात हिम्मत बनाए रखिए। तो आई गेट अलॉन्ग प्रैक्टी वेल विद ऑल माई टीचर्स। करे गेट अलॉन्ग विद का मतलब अच्छा बनना, व्यवहार बनना। करे कि मेरा जो सभी टीचर्स थे उन सबसे अच्छी बनती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन। करें 9 लोग टीचर्स थे जिसमें 7 मैन थे और 2 औरत थी। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फौजी वो टीचर्स मैथ्स वाज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। करें कि मेरे जो एक थे मिस्टर कीसिंग, वो एक पुराने फौजी का मतलब होता है पुराने, ओल्ड फैशन्ड पर्सन थे, यहाँ लिखा हुआ है, पुराने स्वभाव के व्यक्ति थे जो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे। वह मुझसे एजेज मंद काफ़ी दिनों से या कई महीनों से युकान से या लंबे समय से क्रोध गुस्सा रहते थे। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवलर वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और कई वार्निंग्स देने के बाद वो मुझको एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे। ठीक,
फिर इन एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बाक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। इसके बाद उन्होंने क्या किया, मुझे एक एसे दे दिया उस पनिशमेंट के रूप में कि एक चैटर बाक्स के ऊपर मैं एसे लिखूं। अब इसमें क्या लिखा जा सकता था, आई वुड्स वरी अबाउट दैट लेटर। कहती हैं चलो उसकी चिंता तो हम बाद में करेंगे। आई डिसाइडेड आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। कह रहे कि मैंने अपने नोटबुक के एक किनारे पर मैंने इस टाइटल को लिख लिया। कौन सा टाइटल, टाइटल ये कि मुझको चैटर बाक्स पर एसे लिखना है। ओके, टक्ड इट इन माई बैग, और अपने बैग में उसको रखा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की मैंने कोशिश की। ओके, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे काट माई आई। करें उस शाम को जब मैंने अपना संपूर्ण होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो मेरी निगाह जो है मेरे उस नोटबुक पर पड़ी जिसमें एसे की टाइटल लिखी थी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। कहें मैं अपने फाउंटेन पेन का ऊपर का भाग च्यू कर रही थी, चबा रही थी, और मैं सोचना मैंने शुरू कर दिया। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। कह रहे हैं कि कोई भी टॉक और राइट, रैम्बल का मतलब यहाँ साइड में दिया हुआ है, टॉक और राइट एमलेसली। करें कि कोई भी व्यक्ति एमलेसली बिना उद्देश्य के तो काफ़ी चीज़ों को लिख सकता है जगह काफ़ी स्पेस दे करके शब्दों के बीच में, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन बात क्या थी कि उसमें हम ऐसे आर्गूमेंट्स को दें कि जो ये प्रूव कर दें कि टॉकिंग की भी नेसेसिटी होती है। ओके, आई थाट एंड थाट, मैंने सोचा और सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे माइंड में एक विचार आया। आई रोड द थ्री पेजेस मिस्टर किसिंग हैड साइंड मी। करें कि मिस्टर किसिंग ने जो मुझे दिया था उसका मैंने तीन पेज लिखा। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट भी थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट। मैंने उसमें तर्क दिया कि तर्क करना तो एक स्टूडेंट की विशेषता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। उसने कहा कि मैं इसलिए, उसने आगे बताया कि बात करना तो एक स्टूडेंट्स की विशेषता है, लेकिन मैं अपना भरसक कोशिश करूंगी कि मैं इसको कंट्रोल में रखूं, लेकिन मैं अपने आप को या अपने आदत को क्योर करने में एबल नहीं होंगी, सफल नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि मेरी माता भी बहुत ज़्यादा बातें करती है। ओके, तो मैं कम से कम उतना तो बातें कर सकती हूँ, अगर मैं अपनी माता से ज़्यादा बातें ना करूँ तो उतना बातें तो कर सकती हूँ जितनी मेरी माता करती है। क्यों, क्योंकि जो इनहेरिटेड चीज़ें हैं, विरासत से प्राप्त हुई चीज़ें हैं, उनके विषय में आप कुछ कर नहीं सकते। ओके, तो मिस्टर किसिंग हैड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। करे मिस्टर किसिंग को मेरे तर्क पर हंसना पड़ा। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी अगले लेसन पर टॉक करने के लिए, बात करने के लिए, तो ही असाइंड में सेकंड एसे, फिर उन्होंने मुझे दूसरा एसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनक्रेडिबल चैटर बाक्स, और उस समय जो एसे टॉपिक दिया गया दूसरी बार वो था एन इनक्रेडिबल चैटर बाक्स। इनक्रेडिबल का मतलब बच्चों जिसे करेक्ट ना किया जा सके, साइड में दिया है, तो जिसे करेक्ट ना किया जा सके ऐसी बातूनी लड़की पर एसे लिखने के लिए मुझे दे दिया गया। आई हैंडेड इट इन, मैंने ये भी उनको लिख कर दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन्स, और फिर कहती है कि अगले दो लेसन्स तक मिस्टर किसिंग को मुझसे कोई शिकायत नहीं रही। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ, लेकिन तीसरे लेसन के दौरान बहुत ज़्यादा हो गया था, और उन्होंने कहा एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इन टाइटल क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स।
कहा कि बहुत आपने बात किया है, इसलिए आप एक ऐसे लिखिए, क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ये टाइटल है, इस पर आप एक ऐसे लिखिए। तो इस प्रकार से थर्ड ऐसे दे दिया गया एनी फ्रैंक को लिखने के लिए। देखिए बेटा, आप ये देख रहे हैं चित्र, आगे जो बैठी लड़की है, ये आगे खड़ी लड़की है और पीछे बैठी हुई, ये चित्र आप क्लासरूम का देख सकते हैं। ओके, फिर क्या होता है, जब थर्ड ऐसे इसको मिला तो द क्लास रोड, क्लास में बहुत ज़्यादा आवाज़ हुई। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नेवर एग्जास्टेड, या आई हैड नेवर एग्जास्टेड माई इंजीनियरिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, करें आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जास्टेड, करें कि मेरी जेन्युइनिटी, इनजेन्युइनिटी का मतलब ओरिजिनलिटी, करें कि यद्यपि मेरी जितनी भी क्षमता या कुशलता थी वह चैटर बॉक्स के टॉपिक पर लिखने पर लगभग ख़त्म हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद द समथिंग एल्स, अब आ गया था कुछ दूसरी चीज़ जिस पर मुझे लिखना था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल चीज़ मुझे लिखना था जिससे टीचर को भी इससे कुछ सबक मिल जाए। फिर कहते हैं, माई फ्रेंड साने हु वाज गुड एट पोएट्री, कह रहे मेरे एक मित्र था जिसका नाम साने था, जो उसकी पोएट्री बहुत अच्छा थी, एफर्ट टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, उसने शुरू से लेकर के उसने शुरू से लेकर अंत तक मुझको उस एस्से को पोएम में लिखने में हेल्प किया। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं मारे खुशी के कूद उठी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस उपहासपूर्ण सब्जेक्ट से मिस्टर कीसिंग कोशिश कर रहे थे कि वो मेरा मजाक बनाएं। बट आई हैड मेड श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैंने श्योर कर दिया अपने इस हिस्से से कि मजाक मेरा नहीं बल्कि मजाक उनका बनना था। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने अपना पोएम फिनिश किया और बड़ा ही सुंदर पोएम था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विद थ्री बेबी डकलिंग्स, यह पोएम था एक मदर डक के और एक फादर स्वान के विषय में जिसके तीन डकलिंग्स थे, यानी बच्चे थे, बतख के बच्चों को डकलिंग्स कहते हैं। हु वर बीटन टू डेथ बाई द फादर, जिसको काट करके मार दिया गया था उसके पिता के द्वारा, क्यों, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, कह रही लड़की कि सौभाग्य रहा कि मिस्टर किसिंग ने मेरी इस जोक को राइट वे में लिया, ठीक लिया, पॉजिटिव लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने इस पोएम को क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स को जोड़ते हुए उसमें पढ़ा। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और अन्य कई क्लासेज में उसको पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवन्ट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होम, तब से मुझे अलाउ कर दिया गया कि मैं खूब बात करूँ और मुझको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी असाइन नहीं किया गया, नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इसके बावजूद मिस्टर कीसिंग इन दिनों, या उन दिनों यू कैन सी, सदैव जोक्स कर रहे होते थे। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों।